Uh, बहुत ही खूबसूरत रहा है थैंक यू फॉर ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स बहुत ही uh, कम समय के लिए था uh, लेकिन मैंने बहुत हर एक पल इन्जॉय किया हर एक पल में कुछ ना कुछ नया चीज़ें सीखने के लिए मिला है एंड आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू द मेकर्स एंड द चैनल कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है uh, और uh, मैंने सच में जिया है हर पल को uh, अब uh, सही और गलत का तो हम कुछ कह नहीं सकता है Uh, हम कुछ कह नहीं सकते हैं uh, जो हो चुका है वो हो चुका है बट डेफिनेटली आई एम वेरी शॉक्ट आई एम सैड क्योंकि मैं अपने आप को और टाइम वहाँ पे मतलब uh, मैं भी ये ही देख रही थी कि मैं उधर और समय तक रहूं uh, मैं चाहती थी कि मैं वहाँ पे और समय तक रहूं uh, uh, गेम को और अच्छे से खेलूं uh, गेम को और अच्छे से समझ पाऊं Um, पर वो हुआ नहीं सो आई एम वेरी सैड आई एम डिसपॉइंटेड और मैं एप्सल्यूटली समझ सकती हूँ कि फैंस भी uh, काफ़ी सैड और शॉक्ड है Uh, पर मैं यही कहना चाहती हूँ मैंने कोशिश किया uh, जितना समय मैं रही uh, मैंने अच्छे मोमेंट्स क्रिएट करके आए हैं आई हूँ वहाँ से और आप सबका इतना प्यार मिला है उसके लिए मैं फॉर एवर ग्रेटफुल हूँ एक्चुअली uh, मुझे लगता है क्योंकि uh, मेरा इंटेंशन वो था भी नहीं क्योंकि uh, मैं खुद भी बहुत बेसिक हूँ बहुत देसी हूँ uh, मुझे uh, uh, मतलब मैं एक uh, मिडिल क्लास बेसिक फैमिली से आती हूँ और मैं ये बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि आप कहाँ से आते हो या कहाँ से आप आए हो उससे आपका ह्यूमैनिटी कोई जज कर सकते हैं जो सिचुएशन वहाँ पे हुआ था जो अश्लील जेस्टर उन्होंने वहाँ पे किया था दैट वाज मैनरलेस दैट वाज वेरी चीप और उस उस सिचुएशन को उस जेस्चर को मैंने बोला था कि स्टैंडर्डलेस मैंने वो कहाँ से आए हैं या क्या है वो मैंने आ, बिल्कुल मीन नहीं किया था मैंने वो जेस्चर को बोला था दैट इज़ स्टैंडस पर वहाँ पे स्टैंड वगैरह ने वो पूरे चीज़ को अलग टेंजेंट में लेके चले गए और फिर ये वर्ड यूज़ करने लग गए कि गांव से गांव से जो कि हमने बोला भी नहीं मैंने मेरे मुंह से तो आया ही नहीं ये शब्द गाँव टी और गाँव से आई है मैंने तो बोला भी नहीं वो सडनली स्टैंड ने पूरा ट्विस्ट कर दिया वहाँ से और लोगों के सामने ऐसे प्रोजेक्ट किया कि हम उस वो कहाँ से आती है उस चीज़ को हम टारगेट कर रहे हैं इट डज़ेंट मैटर कि मैं बंगाल से हूँ कोई uh, कोई जगह से है इट डजेंट मैटर ऑल मैटर्स कि वो सिचुएशन में उन्होंने जो हरकत किया उसको मैंने बोला कि मैं उस स्टैंडर्ड में जाके मैं उसको जवाब नहीं दे सकती एंड दैट इज़ स्टैंडर्डलेस जाने अनजाने में अगर मैंने किसी के इमोशंस को हर्ट किया आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट और मुझे अपने तरफ़ से ये सफाई देने का पूरा मौका मिलना चाहिए इसीलिए मैं ये सफाई दे रही हूँ कि मैं बहुत ही हम्बल इंसान हूँ मैं बहुत ही बेसिक हूँ मैं देसी हूँ और ये हमारा भारत वर्ष है वर्ष है और मैं सारे देशों uh, uh, सारे स्टेट्स uh, से लाइक like, जो भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है आई बिलीव एवरी वन इज़ इक्वल एवरी बडी इन इंडिया इज़ इक्वल वो ही ना गुस्से में चीज़ें हो जाती है गुस्से में आप कुछ चीज़ें बोल जाते हो आ, और मुझे लगता है कि वो चीज़ों को फिर कैरी ऑन करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है उसके अगले दिन से धीरे धीरे मेरे और मान्या के बीच चीज़ें नॉर्मल हो गई क्योंकि हम वहाँ पे चीज़ों को पकड़ के रखने के लिए नहीं गए हैं हम वहाँ पर एक, एक दूसरे इंसान को समझने के लिए गए हैं एक बिग बॉस इज़ अबाउट रिलेशनशिप एंड डिफरेंट इक्वेशंस विथ डिफरेंट पीपल हाउस मेट्स और मैं मुझे लगता है कि मैं अपने अंदर इतनी मेचोरिटी रखती हूँ कि अगर किसी ने गुस्से में कुछ गलत भी कॉमेंट मुझे कर दिया उसको इतना भी हाइप करने की ज़रूरत नहीं है जस्ट फगीव एंड मूव ऑन इट्स ओके okay. जो उन्होंने बोला बहुत ही गलत बोला था क्योंकि सब अपनी ज़िंदगी में मेहनत करके एक जगह पे पहुंचे हैं। तो ये आप कभी नहीं बोल सकते अरे तुम लोग हो ही क्या सब तो टीवी वी एक्ट एक्टर्स है ए, जैसे आपको लगता है कि आप सेकंड रनर अप मिस इंडिया है वैसे हमें हमने भी बहुत मेहनत करके एक जगह पर पहुँचे हैं। वो आपने गलत बोला पर मुझे नहीं लगा ये ज़रूरी है कि चीज़ों को पकड़ के रखे उस टाइम पे मैंने उनको जवाब दे दिया अगले दो तीन दिन बाद मुझे जब वापस से मौका मिला था वो मैंने वापस से उनको समझाया कि देख जिंदगी में ना एक जगह पे तू अटक जाएगी ना तो आगे नहीं बढ़ पाएगी ठीक है 2020 ट्वेंटी में तो रनर अप मिस इंडिया थी इट्स अ बिग थिंग यू आर आर एन इंस्पीरेशन फॉर लॉड ऑफ़ पीपल बट ये नहीं कि मैं उधर ही अटकी रहूँ और उसी को लेके घमंड करती रहूँ तो तू लाइफ में आगे फ्यूचर कैसे देखेगी तो मुझे जब वापस से मौका मिला मैंने वापस से शांत दिमाग से उनको समझाया तो एक्चुअली टीना के साथ मेरी इक्वेशन कभी भी अच्छी आ, अच्छा नहीं रहा आ, उतरन के टाइम से ले आज तक ऑलमोस्ट इस बात को दस साल होने वाला है आ, उन्होंने आ, तो अब मैं ऑडियंस को बोल रही हूँ क्योंकि वो चीज़ दिखाया नहीं गया है तीन ओकेशन में उन्होंने मेरे पास घर में आके बोला कि श्रीजिता हम साथ में खेलते हैं तो आगे तक जा सकते हैं हम क्यों कर रहे हैं ऐसा मैंने उनको साफ ये प्रपोज़ल को इनकार कर दिया क्योंकि मुझे उनके साथ खेलना ही नहीं था और मैं वहाँ पे किसी के साथ खेलने के लिए नहीं गई थी मैं वहाँ पे अकेले खेलने गई थी और अकेले स्टैंड लेने गई थी और जबकि मुझे उनका वाइब्स बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है तो मैं उनके साथ क्यों खेलूँ वो उन्होंने मुझे ये भी कहा कि यार हम तो ऐसे दुश्मन तो नहीं है तो हम साथ खेलेंगे तो बहुत आगे तक जाते इससे उनकी सोच पता चलती है कि वो कितनी वीक है वो अंदर ही अंदर बहुत वीक है इसीलिए उसको लग रहा था कि शायद हम मिलजुट के खेलेंगे तो आगे तक जा सकते हैं और जब सही मौका आएगा तब मैं सृजिता को लात मार के गिरा दूंगी तो उस पर श्रुजिता ने सहमति नहीं दिया जब शुजिता ने सहमति नहीं दिया तब उसने क्या कर वो क्या करने लगी जगह जगह पे जाके मेरे बारे में बैकबिचिंग करने लगी शालीन को कॉन्स्टेंटली ये बोलने लगी तुम लोग उसके साथ क्यों बैठते हो उसके साथ क्यों उठते हो वो क्यों आके हमेशा हमारे साथ बैठती है भाई घर सबका है मुझे जहाँ मर्ज़ी मैं बैठूँ जहाँ मर्ज़ी मैं उठूँ जिसके साथ मर्ज़ी मैं बात करूँ तू कौन होती है कंट्रोल करने वाली और वो करती रही वो चीज़ गौतम के साथ यार निमृत से भी मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था निमृत ने ऐसे बोल दिया तो जो इमेच्योरिटी है उसके अंदर और जो इनसिक्योरिटी है उसके अंदर वो कब बहुत ज़्यादा है एंड आई थिंक दीज टू थिंग्स डजन मैच जहाँ पे वो एक तरफ मुझे आके बोल रही है चल साथ में खेलते हैं और दूसरी तरफ वो पीछे जाके निमृत को हो गौतम को हो शालीन को हो सब सब जा कर मेरे बारे में भलता ही कुछ बोल रही है या बिचिंग कर रही है ऑनेस्टली uh, मैंने एज uh, बिकॉज आपने पूछा कि किसी को मैंने ट्रस्ट किया और बाद में एपिसोड देखने के बाद मुझे क्या लगा तो उसमें मैं गौतम का नाम लेना चाहती हूँ क्योंकि टीना को मैंने कभी ट्रस्ट ही नहीं किया वो ट्रस्ट वी है ही नहीं तो आ, मैं बहुत शॉक्ड हूँ जिन जो जो चीज़ें उन्होंने बोला है अरे साला पनौती एंड मेरे घर में खाना खा के जाती थी और बाहर जाके ये बोलती थी वो बोलती थी बहुत गलत है पर मैंने उनको कभी ट्रस्ट नहीं किया मैंने अगर किसी को ट्रस्ट किया और बाद में एपिसोड देख के मुझे लग रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं मेरा ट्रस्ट तोड़ा है दैट इज़ गौतम Uh, क्योंकि uh, वो हमेशा से जताता है कि मैं बहुत जेनविन हूँ मैं बहुत जेनविन हूँ मैं जेनविनली सारी चीज़ें करता हूँ और uh, मुझे लगा भी कि वो uh, स्मार्टली गेम को खेल रहे हैं uh, और मैंने और निमृत ने कहीं ना कहीं उन पर ट्रस्ट किया uh, उनकी इश्यूज भी सॉल्व करने की कोशिश किया जिससे मुझे लगता है मेरा गेम ख़राब हो गया कि मैं उनके बीच में क्यूपिड बनके के चौंदरी और गौतम को समझाती बैठी रही और मेरा दो तीन दिन इसमें निकल गया और मेरा गेम खराब ख़राब हो गया आ, तो उन्होंने फिल्टर करके सारी चीज़ें मुझे बताए वो अगर चाहते थे तो मुझे एक अच्छा इंसाइट दे सकते थे अबाउट टीना एंड शालीन कि मेरे पीठ पीछे वो लोग क्या बात कर रहे हैं उससे मेरा गेम भी चेंज हो जाता और उन्होंने नहीं बताया उन्होंने सिर्फ उतना ही बताया जितना वो फ़िल्टर करके बताना चाहते थे कि यार उधर ना सलमान सर के साथ रूम में तेरा नाम ले लिया तो टीना भड़क गई तो हम लोग तो आज उससे बात भी नहीं कर रहे पर ये बात ही सिर्फ नहीं थी बहुत सारी और अलग अलग बातें थी जो टीना ने डिफरेंट डिफरेंट ओकेशनस में आप लोगों को जाके बताया पर आप आप, आप आपको ज़रूरत ही नहीं लगा कि आप आके मुझे बताओ तो uh, एक्चुअली uh, uh, मुझे बहुत अच्छा लगा था जब अंकल आए क्योंकि बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है आप ऐसे आके uh, एक शो में आपके बेटी के बारे में बोल रहे हो uh, तो ऑब्वियसली अंकल में लाइक आई सल्यूट यू और हम लोग बहुत खुश हो गए कि अंकल जाके उनको समझाने की कोशिश की और मुझे बहुत लगा कि अब तो लड़की समझ जाएगी क्योंकि इतनी भी वो uh, बच्ची नहीं है uh, लेकिन उसके बाद सडनली वो जाके शालिन को उल्टा सॉरी बोल रही है दैट थिंग शॉक्ड मी और मुझे वही उसको उस पॉइंट उस में मुझे उसको वही बताना था कि देख तू समझ नहीं रही है पर तेरे पापा कभी भी तेरा बुरा नहीं चाहेंगे क्योंकि आफ्टर ऑल माँ बाप से ज़्यादा अच्छा सोचने वाला नेक सोचने वाला हमारे लिए कोई नहीं है इस दुनिया में तुम अपने पापा के ऊपर तुम अपने दोस्ती को चुन रहे हो इट्स नॉट राइट अगर अंकल यहाँ आके कुछ बोल के गए हैं तो उसके पीछे कुछ सेंसेस है मीनिंग है और मैं इस लड़की को 10 साल से जानती हूँ टीना को तो प्लीज़ ट्रस्ट योर डैड पर फिर भी अगर उन्होंने ये आ, मतलब अभी भी मुझे एपिसोड में दिख रहा है वो फिर भी उधर ही अटकी हुई है वॉट आई फील कि वो शायद बाहर बहुत स्ट्रांग होगी लेकिन घर के अंदर शी इज़ वेरी वीक और वो कहीं ना कहीं अपना पोजीशन खो रही है उसको वो कहीं ना कहीं अपने आप को पोजिशनिंग नहीं कर पा रही है कहीं पे घर में तो दैट्स द रीज़न शी इज़ गेटिंग वेरी डिपेंडेंट और वो डिपेंडेंट हो रही है शालीन और टीना पे दो गलत लोगों लोगों पर वो डिपेंडेंट हो रही है दैट्स ऑल आई वुड से कि वो शायद स्ट्रांग लड़की है बाहर पर अंदर बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं हो पा रही है और कॉन्स्टेंटली वो डिपेंड डिपेंडेंट हो रही है वाइल्ड कार्ड एंट्री की बात अगर किया जाए तो डेफिनेटली अगर मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं जाना चाहूँगी क्योंकि आ, आ, कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने शायद सही नहीं किया इन चौदह दिनों में क्योंकि मैं अभी भी तभी भी गेम को समझ रही थी वो चीज़ें अभी देखने के बाद और मुझे ज़्यादा समझ आई तो ऑब्वियसली आई शुड प्ले मोर एग्रेसिव मोर इन्वॉल्वमेंट एंड uh, किस किस के साथ मैं uh, दोस्ती या जानना uh, किस किस को और ज़्यादा पसंद करूँगी वुड बी फर्स्ट वुड बी एम सी क्योंकि जब मैंने एपिसोड देखा वो बहुत ही जेनुनली वो बंदा कम अक्रॉस कर कर रहे हैं ही हैज़ अ गुड हार्ट घर में का, काफ़ी टाइम उसके साथ मेरी बातचीत हुई है पर शायद मैं उनको और ज़्यादा जानना पसंद करूँगी uh, दोस्ती कंटिन्यू करूँगी अब्दू के साथ बिकॉज ही इज़ माई स्वीट हार्ट और मैं दोस्ती कंटिन्यू करूँगी प्रियंका और अंकित के साथ और निमृत के साथ भी जिनसे दोस्ती या उठना बैठना करना पसंद नहीं करूँगी दैट वुड बी फॉस योर टीना एंड शालीन एंड ऑल्सो आई हैव अवज क्वेश्चन मार्क अबाउट गौतम नाव इट्स एक्सट्रीमली शॉकिंग इट्स हार्ड ब्रेकिंग मैंने मैं उनसे कई बार मिली थी पार्टीज़ में हम एक शो कर रहे थे ही हो बंधु तो नेहा की बहुत क्लोज थी वो नेहा के साथ साथ शायद वो आ, रूम शेयर करती थी तो नेहा के घर में जब भी हम लोग डिनर के लिए गए उनसे आ, मैं मिली बहुत ही अच्छी लड़की आ, थी बहुत ही जॉली थी बहुत बात करना पसंद करती थी एंड इट एब्सोल्युटली शॉक्ड मी क्योंकि शी इज शी वॉज़ अ स्ट्रोंग गर्ल मतलब हमें क्या हो रहा है जो हम अपनी जिंदगी ले ले जिंदगी सबसे ज्यादा खूबसूरत गिफ्ट आपको मिला है जो कुछ भी हो जाए देर आर पीपल जिन्होंने अपने हाथ पैर खो दिया कोई एक्सीडेंट में जो चल नहीं सकते हैं फिर भी वो जिंदा रहना चाहते हैं वो जिंदगी से लड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ इमोशनली कुछ भी हो जाए कितना भी गलत कुछ हो जाए हमारे अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि हम उसको उठ के अपने पैरों में खड़े होके उससे लड़े और अपनी अपनी जिंदगी खुशी से जिए बिकॉज इट्स द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट विथ यू हैव गॉड दैट इज़ लाइफ सो प्लीज़ वैल्यू दैट अप्रीशियट दैट एंड माई कॉन्डोलेंस इज़ विद वैशालीज फैमिली फ्रेंड्स आई एम एक्सट्रीमली शॉक्ड मे गॉड ब्लेस हर